मैंने सोचा कुछ चीजें ना मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, क्योंकि क्या है सामने वाला या जो भी एक्स वाई जेड, चलो यार मैं नाम लेता हूँ सीड, सीड अपना, क्योंकि वो तो नाम नहीं लेता, मैं सीधा नाम लेता हूँ, है ना, अपना सीड जोशी। तो उसने बहुत सारी चीजें बोली है, क्योंकि ऑब्वियसली एसटी के लाइनअप उनकी जो थी वो गॉडलाइक ने ली है। तो उसने बोला था कि हमने सैलरी ऑफर करी, ये करा वो करा, मतलब डबल ऑफर किया, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। जो भी एसटी की एसटी नहीं, न्यू स्टेट की लाइनअप जो गॉडलाइक ने साइन करी है, तो वो जो चीज हुआ है लास्ट 24 आवर्स में हुआ है, उससे पहले कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं, ठीक है। और उसमें मेरा और मेरा तो 0% इन्वॉल्वमेंट है, खाली मेरे को था कि डिसीजन लेना है कि वो टीम लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ गाइस हुआ क्या था। जो न्यू स्टेट की लाइनअप है जो अभी जीती थी, हम ऑब्वियसली सारे गेम्स में टीम देख रहे हैं, जितनी भी गेम्स का स्पोर्ट्स है, चाहे इंडिया में हो ग्लोबल में हो, हम सारे टीम्स देख रहे हैं, टॉप की टीम्स देख रहे हैं, जहां पर भी हमें चांस मिले हम ले लेते हैं। तो गाइज हमें पता चला कि ये टीम फ्री है, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है, या फिर सैलरी, बूट कैम्प और बाकी सारी चीज़ों पे उनको कुछ क्लैरिटी नहीं थी। तो उन्होंने अमर को और शांतनु जो अपना गॉडलाइक में, उनको बताया कि ऐसा ऐसा सीन है। और पहली बात, उनको ऑफर थी स्टारलॉट स्पोर्ट्स से और औरंगुटान से भी ऑफर थी सेम टीम को, तो दैट ऐसा नहीं है कि औरंगुटान ने और स्टॉलवर्ट ने जाके उनको पोच किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं। ऑब्वियसली बात है, कई बार भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम मौका दे देते हो तो लोग पहुंच जाते हो वहां तक। तो फिर बात थी कि सैलरी के, अब आपको क्या लगता है गाइस कि हमने सैलरी कितनी दी होगी इनको? 1 करोड़ सैलरी दी क्या हमने? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ गाइज, इनकी सैलरी 50,000 भी नहीं है, 45,000 भी नहीं है, उससे कम। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी हो सकती है सैलरी। क्या वो बंदे इतनी सैलरी डिजर्व नहीं करते? और जो सैलरी उनको ऑफर हुई थी जो भी जहाज से, उतनी सैलरी तो गॉडलाइक में हमारा वॉचमैन लेता है। तो क्या स्पोर्ट्स प्लेयर की और उनकी वैल्यू एक है? बिल्कुल नहीं। पहली बात, चलो सैलरी भी छोड़ दो, उस एक सिड ने एक चीज बोली गाइज कि SA12 में हम सैलरी कम देते हैं बट हम वैल्यूज देते हैं। अब चलो ठीक है, वैल्यूज से गाइस तुम ऑब्वियसली बात है, SA12 स्पोर्ट्स बहुत बड़ी ऑर्ग है, काफ़ी ब्रांड्स हैं उनके पास, आते भी है नो डाउट, वहाँ से लोग और अच्छा अर्न कर सकते हैं, बट क्या उस अर्निंग पे कोई क्लैरिटी होती है कि भाई बंदा कितना अर्न करेगा, क्या करेगा? नहीं ना। इनकेस मान के चलो किसी बंदे को एक क्लैरिटी है कि मेरे को भाई मंथ में 50,000 मिलेगा या 1 लाख रुपए मिलेगा, तो वो उसके हिसाब से प्लान कर सकता है। इनकेस किसी मंथ में ब्रांड्स ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो क्या वो इस नाम से आगे सारे फ्यूचर प्लान्स कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये था दूसरा से, और हमने गाइस कोई ऑफर डबल टिबल बिल्कुल कुछ नहीं करा। जो औरंगुटान और एसटी से उनको ऑफर था उन्होंने हमको बताया, स्टॉलवर्ड स्पोर्ट्स तोकिर भाई ने उनको ऑफर किया था, तो वो जो ऑफर था वो गॉडलाइक ने खाली मैच किया है, और उनको गॉडलाइक में ही आना था। तो उन्होंने बोला कि जैसे गॉडलाइक में आना है, क्यों आना था आपको तो पता ही, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस स्पोर्ट्स प्लेयर्स को है और किसी को भी नहीं है। कितना सो कॉल्ड टॉप कंटेंट क्रिएटर क्यों ना हो, गॉडलाइक में आना चाहता हूं, अगर वहां पे हमें बेस्ट स्पोर्ट्स टीम होगी तो हम उसको उठा लेंगे। तो उन प्लेयर्स को, न्यू स्टेट प्लेयर्स को कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो भाई वो बंदे कितना वेट करेंगे, राइट? तो उन्होंने फिर गॉडलाइक ज्वाइन कर लिया बस। और पहली बात, सीड कोई स्पोर्ट्स प्लेयर रहा नहीं है तो उसको पता नहीं है कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या वैल्यूज, क्या चीजें होती है, तो मैं समझ सकता हूँ। और सीड मेरे भाई, जैसे मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, तू भी डायरेक्ट बात कर लिया कर गॉडलाइक का, नाम ले ले, क्योंकि ऑब्वियस सबको पता है कि यार गॉडलाइक ने ही टीम को साइन करा है। देखो भाई, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है भाई, सीधा बोल रहा हूँ लाइव आके। और क्या क्या बोला था उसने, रुको और एक चीज बोलता हूँ मैं, कुछ तो बोला था यार। हाँ, दूसरी बात, पोचिंग के पॉइंट पे आता हूँ। अपनी जो टीम है गाइस, कॉडिम की टीम जो जा रही है अपनी यूएसए गॉडलाइक को रिप्रेजेंट करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने, किसने उनको ऑफर करा था कि आ जाओ गॉडलाइक का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आ जाओ, गॉडलाइक छोड़ के आ जाओ हम? अब मैं बोलूँ फिर ये तो बात हमारे कॉडम के प्लेयर्स आके भी बोल सकते हैं, फिर तो हमारा कुछ बचेगा नहीं जो भी ये और हरकतें करती है। तो ये पोचिंग नहीं है गाइस, है ना, हमारा तो लीगल एग्रीमेंट है, जो लेगा वो भी फंसेगा
और जो तोड़ेगा वो भी, बट हम तो हमारे प्लेयर्स को भाई ऐसे रखते हैं ना कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो, इन सारी चीजों से। जोनाथन, बहुत सारा आज मार्केट में जोनाथन जोनाथन चल रहा है गाइस, क्यों चल रहा है, क्या लगता है आपको? चलो छोड़ो ना, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। विरी और गिल को पोच कर लो भाई, पोच करने से कुछ नहीं होता है। अगर किसी भी पर्सन को कई सारी चीजें मिल रही ना, वो बंदा वही रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा। पोचिंग बिचिंग कुछ नहीं होता है, वो बस एक रीजन होता है। चलो और एक चीज मुझे बोलनी थी। हाँ गाइज, मैं हम अभी रिसेंटली दिल्ली गए थे, ठीक है, तो दिल्ली में हमें XYZ बंदा मिला था। तो चलो वो बात अलग है, उस बंदे ने भी हमें अनफॉलो कर दिया, मतलब मेरे को और घातक को। हमने नहीं बोला था कि क्या है क्या नहीं है, वो बंदा बहुत परेशान था जो भी था। अच्छी बात है कि शायद उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे आफ्टर दिस मीटिंग में भी। मैं खुश हूँ कि चल तेरे प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सॉल्व हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सारी चीज़ें करने से, बट एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि उस बंदे पे वो नौबत क्यों आ रही है, स्पोर्ट्स प्लेयर हो या CC हो कोई भी हो, क्यों आ रही है उस बंदे पे वो नौबत कि उसको इतना होने के बावजूद किसी और के किसी को मिलना पड़ रहा है। मैं नहीं बोलूँगा गाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट छोड़ो, हम कभी पोचिंग बिचिंग कोई इंटरेस्ट नहीं है गाइज, गॉड लाइक को।